अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट ट्यूटोरियल आपके लिए, और मैं लेकर आई हूँ विक्टोरियन मेकअप, जो कि वाइट ड्रेस पे किया जाता है और बहुत सॉफ्ट एंड सटल सा मेकअप होता है। विक्टोरियन मेकअप सॉफ्ट वाइट ड्रेस के ऊपर वो किया जाता है। तो फर्स्ट मेकअप आज हमारा ये है। अच्छा, मेकअप स्टार्ट और काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको से रिक्वेस्ट करती जाऊँ कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जनाब, ये हमने आज स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले मैंने आँखों को कंसील किया है मिस रोज़ के कंसीलर से। मेरी मॉडल का कलर फेयर है, तो मैंने इसमें यूज़ किया है आइवरी कंसीलर। कंसीलर लगाने के बाद मैं उसको पाउडर से फिक्सिंग कर देती हूँ, ताकि आई जो है अच्छे से कंसील हो जाए और वो कंसीलर लॉक हो जाए। हाइलाइटर लगाया है मैंने यहाँ पे एट्यूड का, लेकिन आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप एट्यूड ही लगाएं। आप कोई भी हाइलाइटर जो आपके आपके पैलेट के अंदर पिगमेंटेड सी हो, स्पेशली मुझे बीबीए की पैलेट के अंदर नाइट क्वीन में हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद है, आईज़ के लिए हाइलाइटर, तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। अभी मैंने एट्यूड का इस्तेमाल किया है। बीबीए के पैलेट के अंदर ही मेरे पास पीच में बिल्कुल स्किन टोन की आई शेड है, तो उस आई शेड को मैंने अप्लाई किया है, ताकि जो हमने हाइलाइटर लगाया उसकी लाइन स्मज हो जाए, कोई लाइन नहीं रहे, और इस तरह आउटर कॉर्नर से लेकर इनर कॉर्नर तक जाकर उसको ब्लेंड करते हम चले जाएंगे। ये हमने लाइटर कलर से स्टार्ट किया, फिर हमने सेकंड कलर जो उठाया तो उस कैमल कलर का थोड़ा सा शेड हम लेंगे, जैसे ऊपर हमने लाइट कलर लिया था पीच का लाइटर टोन, तो इसी तरह से अभी हम कैमल कलर का टोन उठाते हैं, उससे थोड़ा सा डार्क। आई शेड पैलेट के अंदर सीरीज़ बनी हुई होती है कि लाइट कलर, डार्क कलर, डार्कर कलर। थर्ड कलर मैंने यहाँ पे उठाया है ब्राउन का, ब्राउन शेड, लाइट ब्राउन कलर का। अच्छा, इसके अंदर मैं सारे लाइटर कलर्स ले रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको समझाया है, बताया है कि विक्टोरियन मेकअप है, तो विक्टोरियन मेकअप में बहुत ही, आपको पता है, इंग्लिश लुक, लाइटर टोन एंड वाइट ड्रेस। वाइट ड्रेस पे हम निकाह मेकअप तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, प्रोमिनेंट मेकअप, लेकिन जब विक्टोरियन मेकअप करते हैं वाइट ड्रेस पे, तो थोड़ा सा लाइटर टोन की तरफ ही रहते हैं, लेकिन सटल होने के बाद आपको बहुत प्यारा लगेगा ये मेकअप। मैंने कंसील आई लिड को दोबारा किया है और उसके ऊपर अपने आई शेड में से अगेन बीबीए की जो आई शेड है उसका लाइटर कलर हमने रोज़ गोल्ड कलर, उसमें से मैंने निकाला और उसको फिंगर टिप से अप्लाई किया। फिंगर से इसलिए मैं अप्लाई करती हूँ कि मुझे लगता है फिंगर की जो हीट है ना, वो शेड को बहुत अच्छे से पिगमेंटेड रिजल्ट देती है। अब जाहिर है हमने आईबॉल पे किया है, तो उसकी भी कोई लाइन बनी ना रहे, तो हम अगेन ब्रश से उठाकर, जो हमारा ब्रश ऑलरेडी, हम एक ही ब्रश से काम कर रहे हैं, मैं यूजुअली एक ही ब्रश से काम करती हूँ, तो मैंने वो ब्रश उठाया और उस ब्रश से उस जो लिड पे शेड लगाया है उस शेड को मैं ब्लेंड करती जाऊँगी। जब जब मैं शेड लगाती हूँ उसके बाद लाजमी उसको ब्लेंड करती हूँ। आई मेकअप डन हो गया है, देखें बिल्कुल लाइट सा है, लेकिन जब आप लास्ट में देखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अभी लाइटर लाइटर सा शेड लग रहा है, लेकिन जब आप इसके ऊपर सब काम कर लेंगे, आप इसके अंदर लैशेस लगा लेंगे, तो बहुत ही खूबसूरत सा कलर बन जाएगा। और हमेशा लैशेस लगाने से पहले लाइनर लगाएं, ज़रूर लगाएं। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ जेल लाइनर फेसिट की। फेसिट में ट्विन जो शेड होता है उसके अंदर एक ब्राउन कलर होता है आईब्रोज़ के लिए और ब्लैक कलर होता है लाइनर के लिए, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ फेसिट की जेल लाइनर। वॉइस ओवर करने में, ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, तो प्रॉबेबली कुछ मिस हो जाए, कुछ चीज़ें आपको अगर नहीं समझ में आए, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। जाहिर सी बात है, मैं अपनी फील्ड में तो परफेक्ट हूँ, लेकिन जाहिर है वन मैन शो तो होता नहीं है, हर काम हर किसी को नहीं आता, तो बहरहाल कोशिश कर रही हूँ कि इस चीज़ को भी कर सकूँ। ये मैंने लगाई है यहाँ पर 3D लैशेज़ बीबीए की है। हाइलाइटर जो लगाई है मैंने, तो हाइलाइटर को अगेन टच करती जाती हूँ बार बार, इसलिए कि
ज़ाहिर है आप बार बार ब्रश अप्लाई कर रहे हैं तो आपके शेड फेड हो जाते हैं, तो आप उसको रीटच कर लेंगे, कोई बुराई नहीं है। आई के नीचे हम कंसीलिंग कर रहे हैं डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए, ऑरेंज कंसीलर। प्रो गर्ल के कंसीलर भी होते हैं लेकिन वो मुझे बहुत डार्क लगते हैं, तो इसलिए मैं ये क्रेलॉन की ही स्टिक 508 उसको सेलेक्ट करती हूँ। या मैं 45 लिया है मैंने अपने मॉडल के कॉम्प्लेक्शन से थोड़ी सी डार्क बेस लिए, ताकि कैमोफ्लाजिंग यू नो कि मैं ये ऑरेंज कलर जो है बेसिकली फेस पे जो दाने वाने होते हैं उनको हाइड करने के लिए आप ऑरेंज कलर यूज़ करते हैं, तो उसको कैमोफ्लाजिंग कहते हैं। अब ये लिक्विड फाउंडेशन मैं अप्लाई कर रही हूँ, लिक्विड फाउंडेशन मिस रोज़ की यूज़ कर रही हूँ, और ये है मेरा आइवरी शेड यूज़ कर रही हूँ मैं अपनी मॉडल के, क्योंकि 45 स्टिक यूज़ की और उसके बाद एक स्मूथ सी बेस बनाने के लिए लिक्विड फाउंडेशन बहुत ही यूज़फुल होती है। लेकिन सिर्फ लिक्विड फाउंडेशन से हम अगर बेस बनाते हैं ना, तो हमारा जो मौसम है कराची का या ऑल ओवर पाकिस्तान जो मौसम होता है, स्वेटिंग वाला वेदर होता है, यूजुअली हमारा गर्म मुल्क है, तो उसमें आपको बेस पे बहुत ध्यान देना होता है कि सिर्फ आप लिक्विड फाउंडेशन से बहुत अच्छी बेस नहीं बना सकते, बन भी जाती है। और आजकल तो जितनी भी लिक्विड फाउंडेशन आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, और मैं मिस रोज़ की तरफ गई हूँ, मेबिलिन यूज़ करती हूँ, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, मैक का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो सारी ही लिक्विड फाउंडेशन से आपको बेस बनाना मैं हर इसमें कोशिश करूँगी कि आपको बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जब आप ब्लेंड करते हैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर से और आप डिटेल से बेस को करते हैं तो बहुत अच्छी बन जाती है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह 24 आवर्स स्टे हो जाता है मेरी बेस का। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ केक। केक इसलिए लगाते हैं हम कि बेस आपकी जो आपने स्टिक लगाई है, जो आपने लिक्विड फाउंडेशन लगाई है, तो वो लॉक हो जाए, फिक्स हो जाए अच्छी तरह से। अब ये जो मैं केक लगा रही हूँ ये है मेरी कस्टमाइज बेस ना, तो ये बेस आपको बनाना मैं ज़रूर बताऊँगी, और इंशाल्लाह किसी अगली ट्यूटोरियल में कस्टमाइज बेस आपको बनाना बताऊँगी। इससे मेरा रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त बेस का रहता है, लेकिन इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि लगाते जाते हैं और ये ड्राई होता जाता, तो इमीडिएटली अंडर आई लगाया मैंने, उसको ब्लेंड किया, फॉरहेड पे लगाऊंगी ब्लेंड करूंगी, चीक्स पे लगाऊंगी ब्लेंड करूंगी। अगर मुझे लगता है कि कहीं से ट्रांसपेरेंट लुक आ रही है तो फिर उस जगह पे मैं दोबारा लगाऊंगी। ये मेरी अपनी बनाई हुई कस्टमाइज बेस है, तो ये मैंने इस तरह से यहाँ पे फॉरहेड कवर किया, अंडर आई कवर किया, और अगर फिर भी मुझे कवरेज कम लगेगी तो मैं, क्योंकि ये इतनी लाइट होती है, इतनी कम क्वांटिटी होती है, और गीले वेट ब्रश से कर रही हूँ मैं अप्लाई, तो ये इतनी ज़्यादा लाइट होती है कि आप बेस लगाने के बाद ना आपको बिल्कुल केकी चेहरा नहीं लगेगा। मेरी ये कोशिश होती है कि बेस लगे, सारी चीज़ें कंसील हो जाए, कैमोफ्लाज हो जाए, दाने छुप जाए, लेकिन बेस इतनी ना हो कि फेस केकी लगे। क्वांटिटी बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेस क्वांटिटी में, बहुत भर के नहीं यूज़ करती, कॉम्प्लेक्शन का ख्याल करती हूँ। अब जाहिर सी बात है मेरी मॉडल का कॉम्प्लेक्शन आइवरी है, तो मैं यहाँ पे आइवरी केक यूज़ कर रही हूँ। अगेन आप क्रायलॉन की आइवरी ले सकते हैं केक, उसको आप फिंगर से स्क्रैच करके पाउडर बनाएं, और पाउडर बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल दें और वेट ब्रश से उसको अप्लाई करती जाएं, इसी तरह से जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि मेरी बनाई हुई बेस है ये कस्टमाइज बेस, लगाती जाती हूँ और ये खुश्क होती जाती है। इसकी अच्छी बात भी है, प्लस पॉइंट है, जो बेस आप लगाएं इमीडिएटली वो सेट होती जाए तो बहुत ही आसानी हो जाती है बेस बनाने में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाथ के हाथ आपको इसको ब्लेंड करना होता है, आपने थोड़ा सा छोड़ा, थोड़ी सी देर के लिए छोड़ा, तो वो वहीं पर टिक जाती है, फिर प्रॉब्लम होती है। तो बेस बनाते हुए अगर मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो गई तो मुझे बड़ा मसला होता है, और पूरे मेकअप की जान ना आपकी बेस में। तो आप ये देख रहे हैं कि मैं बेस बहुत डिटेल के साथ आपको बता रही हूँ, आई मेकअप से भी ज़्यादा, क्योंकि आई मेकअप एवरी इसमें मैं आपको स्लो स्लो बताती रहूँगी
क्योंकि ये आई मेकअप मैंने बहुत लाइट किया है तो इसलिए इतना कुछ था नहीं इसमें देखने और समझने के लिए, बट बेस पे बहुत फोकस इसलिए है कि मेरी मॉडल की पिगमेंटेड स्किन थी, दानों की स्किन थी, दानों के निशान थे और वो सब कुछ मुझे कवर करना था। तो ये आप देख रहे हैं कि अच्छी तरह से मैं बेस से पूरा फेस कवर कर रही हूँ। फेस कवर करने के बाद मैं चिन की तरफ ग्रेजुअली जा रही हूँ, अंडर आई वंस अगेन, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा अंडर आई के पास मुझे ज़रूरत है कवरेज की। ये सारी एक ही बेस चल रही है, ये अभी मैंने चेंज नहीं की है, अभी मैं इसी बेस को कर रही हूँ कंटिन्यूसली। इसके बाद मैं लगाऊंगी पाउडर, फिक्सिंग पाउडर। ये मैं आई अंडर आई लगा रही हूँ ब्रश से, ये ड्राई ब्रश है। उसके बाद मैं इसी के अपने स्पंज से पूरे फेस पे जो केक लगाया है उसको लॉक कर रही हूँ। कान को आप कवर करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिकॉज़ कान और हाथ, यूजुअली हम ब्राइड्स के देखते हैं या मॉडल्स के देखते हैं, हाथों का कलर और फेस का कलर अलग है, कान अलग है, तो कान भी आप साथ में लेते रहें और उसको कवर करते रहें। अंडर आई को अगेन मैंने BBA का जो लाइट शेड होता है उसके अंदर रोज़ गोल्ड कलर, वो इनर कॉर्नर पर मैंने लगाया। दोबारा मैं ज़रूर लाइनर करती हूँ, आपको बताया कि एक दफ़ा लैशेज़ लगाने से पहले लाइनर लगाती हूँ और उसकी को मज़ीद प्रोमिनेंट करने के लिए दोबारा आईलाइनर लगाती हूँ। आई से थोड़ा सा मैंने बाहर निकाला है कॉन्टोर। जो मैं कर रही हूँ वो अच्छा, हर किसी के फेस की कॉन्टोरिंग थोड़ी अलग होती है, तो मैं यहाँ पे जो कॉन्टोर कर रही हूँ अपनी मॉडल के फेस के अकॉर्डिंगली, कि मुझे कहाँ से फेस पतला करना है। जहाँ से आपको फेस पतला करना है वहाँ पे आप डार्क शेड लगाएंगे, जिस हिस्से को आपने हाईलाइट करना है वहाँ पे आप लाइट शेड लगाएंगे। तो ज़ाहिर है हम हाईलाइटर लगाते हैं हाईलाइट करने के लिए। नोज़ की कॉन्टोरिंग की है, अभी कॉन्टोर मैं लगाती जाती हूँ और उसके बाद जो मेरे पास ब्लश ऑन ब्रश है, ब्लश ऑन लगा कर कॉन्टोर और ब्लश को मिक्स कर देती हूँ, ब्लेंड कर देती हूँ, ताकि कोई हार्श लाइन ना बने। क्योंकि जब तक कॉन्टोर, ब्लश ऑन और हाइलाइटर ब्लेंडेड नहीं होंगे तो आपकी बेस, आपका सब कुछ बिल्कुल अलग अलग लगेगा, फेस अजीब सा पतला लगेगा। तो आपका ब्लेंडेड होना बेस का और कॉन्टोर का, ब्लश ऑन का, हर चीज़ का ब्लेंडेड होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ उसको भी मैं ब्लश ऑन के साथ ब्लेंड कर दूँगी। अपर लिप पे लाजमी लगाती हूँ ताकि लिप की लाइन बहुत प्रोमिनेंट सी हो जाए, और फिंगर से, जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं फिंगर से करूँ तो थोड़ी ज़्यादा पिगमेंटेड आपकी ये बन जाती है। आईब्रोज़ को मैंने किया था जेल लाइनर जो आपको बताया मैंने, फेस इट। लिपस्टिक की वीडियो रह गई, मैंने इसमें लाइट ब्राउन कलर की लिपस्टिक ली थी, पता नहीं वो वीडियो क्यों रह गई पूरी, इसमें मैं चेक करती रही। तो जनाब ये है हमारा फाइनल लुक, विक्टोरियन मेकअप इन वाइट ड्रेस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगेन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।